यहाँ पुराना मीटर कन्वेंशनल मीटर भी लगा हुआ है और स्मार्ट मीटर, ये चूंकि उपभोक्ताओं में इस बात की आशंका रहती है कि स्मार्ट मीटर में ज्यादा उठता है कंजम्पशन, नॉर्मल मीटर की अपेक्षा दोगुना तिगुना होता है, उसको हम लोग भी कंपेयर करके देख ले रहे हैं कि क्या सही में ऐसा है। आइए इधर थोड़ा दिखाइए, नॉर्मल मीटर जो ये छोटा वाला है इसको लगाया गया था 3 सितंबर 2024 को, शुरुआत रीडिंग इसका 33 है, और स्मार्ट प्रीपेड मीटर जो है वो 00 से स्टार्ट हुआ है, उसी दिन 3-9 को सेम टाइम में दोनों में लाइन दिया गया है और जानबित किया गया है। तो अभी हम लोग इसका निरीक्षण करते हैं और देखते हैं कि क्या इसमें ज़्यादा है, कम है या बराबर है। तो हम लोग पहले स्मार्ट प्रीपेड मीटर का देख लेते हैं कि 3-9 से आज हो गया 15-17, आज हो गया 17-9, तो 17-9 तक कितना रीडिंग उठा है। इसमें आइए हम लोग मीटर रीडिंग KWS देखते हैं कितना उठा हुआ है, अभी 81 KWS, अच्छे से लीजिए 81, ठीक है। अब हम लोग पुराने मीटर जो पोस्टपेड मीटर थे, कन्वेंशनल मीटर हैं, उसका देखते हैं कि अभी कितना कंजम्पशन उठ गया है। ये आज का रीडिंग है 114 KWH अभी तक चला है। इसको हम लोग शुरुआत किए थे कहाँ से, 33 यूनिट से, आज 114 है, इसका मतलब ये कितना खपत अभी तक हुआ है, 114 माइनस 114 माइनस 33 81, 81 यूनिट ये भी खपत किया है 3 सितंबर से लेके आज 17 सितंबर तक, और 81 यूनिट आप स्मार्ट मीटर में भी देख सकते हैं कि आया है, मतलब दोनों समान रूप से ऊर्जा का जो है खपत कर रहे हैं, 81 यूनिट पुराने में भी और 81 यूनिट नए में भी। अतः हमारा बिलिंग जो है वो सेम होगा, क्योंकि हमारा बिलिंग रीडिंग मीटर रीडिंग जो यूनिट कंजम्पशन है उसी पर उठता है, 81 ये भी दे रहा है, 81 ये भी दे रहा है, तो इसमें किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि स्मार्ट मीटर आपका ज़्यादा उठाएगा और पुराना मीटर कम उठाएगा। अंतर एक ही है, पुराने मीटर में हम पहले पेमेंट करते थे और नया मीटर में हमको हम बाद में पैसा देते थे और इसमें पहले पैसा देना होगा, बस इतना ही अंतर है, ठीक है। स्टार्ट है, यहाँ पुराना मीटर कन्वेंशनल मीटर भी लगा हुआ है और स्मार्ट मीटर, ये चूंकि उपभोक्ताओं में इस बात की आशंका रहती है कि स्मार्ट मीटर में ज़्यादा उठता है कंजम्पशन, नॉर्मल मीटर की अपेक्षा दोगुना तिगुना होता है, उसको हम लोग भी कंपेयर करके देख ले रहे हैं कि क्या सही में ऐसा है। आइए इधर थोड़ा दिखाइए, नॉर्मल मीटर जो ये छोटा वाला है इसको लगाया गया था 3 सितंबर 2024 को, शुरुआत रीडिंग इसका 33 है, और स्मार्ट प्रीपेड मीटर जो है वो 00 से स्टार्ट हुआ है, उसी दिन 3-9 को सेम टाइम में दोनों में लाइन दिया गया है और जानबित किया गया है। तो अभी हम लोग इसका निरीक्षण करते हैं और देखते हैं कि क्या इसमें ज़्यादा है, कम है या बराबर है। तो हम लोग पहले स्मार्ट प्रीपेड मीटर का देख लेते हैं कि 3-9 से आज हो गया 15-17, आज हो गया 17-9, तो 17-9 तक कितना रीडिंग उठा है। इसमें आइए हम लोग मीटर रीडिंग KWS देखते हैं कितना उठा हुआ है, अभी 81 KWH, अच्छे से लीजिए 81, ठीक है। अब हम लोग पुराने मीटर जो
पोस्टपेड मीटर थे, कन्वेंशनल मीटर हैं, उसका देखते हैं कि अभी कितना कंजम्पशन उठ गया है। ये आज का रीडिंग है 114 kWh अभी तक चला है। इसको हम लोग शुरुआत किए थे कहाँ से, 33 यूनिट से। आज 114 है, इसका मतलब ये कितना खपत अभी तक हुआ है, 114 माइनस, दिखाइए इस पर दिखाइए, 114 माइनस 33 81 81 यूनिट ये भी खपत किया है 3 सितंबर से लेके आज 17 सितंबर तक। और 81 यूनिट आप स्मार्ट मीटर में भी देख सकते हैं कि आया है, मतलब दोनों समान रूप से ऊर्जा का जो है खपत कर रहे हैं, 81 यूनिट पुराने में भी और 81 यूनिट नए में भी। अतः हमारा बिलिंग जो है वो सेम होगा, क्योंकि हमारा बिलिंग रीडिंग मीटर रीडिंग जो यूनिट कंजम्पशन है उसी पर उठता है। 81 ये भी दे रहा है, 81 ये भी दे रहा है, तो इसमें किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि स्मार्ट मीटर आपका ज़्यादा उठाएगा और पुराना मीटर कम उठाएगा। अंतर एक ही है, पुराने मीटर में हम पहले पेमेंट करते थे और नया मीटर में हमको हम बाद में पैसा देते थे और इसमें पहले पैसा देना होगा, बस इतना ही अंतर है। ठीक है, इस पर उपभोक्ता का नियंत्रण अधिक है, वो अपनी चीज़ों को देख सकते हैं। कई बार हमको लग सकता है कि हम लोग मीटर रिचार्ज किया और हम देख रहे हैं कि पैसा जो है वो ख़त्म हो रहा है, प्रतिदिन देख रहे हैं, और पुराना मीटर था उसमें महीने के बाद हमको पता चलता था कि कितना हमारा बिजली का बिल आया, कितना पैसा खर्च हुआ। तो कई बार हमको लगता था कि महीने भर हमको पता ही नहीं चल रहा है, अंधेरे में है, लेकिन इसमें है कि आप प्रतिदिन देख सकते हैं। तो ये साइकोलॉजिकल भी हो सकता है कि प्रतिदिन पैसा कटते हुए देखना हमको लग सकता है कि हमारा पैसा ज़्यादा कट रहा है, और पुराने में था कि महीने के बाद आपको जब बिल आता था तब पता चलता था और आप कहते थे कि हम तो इतना उपयोग ही नहीं किए और इसके बाद भी इतना बिल हमारा कट गया है। तो इसको ध्यान में रखते हुए स्मार्ट मीटर लगाने की हम लोग सबसे अपील करते हैं। ये बहुत ही वेरीफाइड और अनुमोदित है और टेस्टेड है, इसमें किसी प्रकार की कोई त्रुटि नहीं है। फिर भी हमारे किसी भी उपभोक्ता को अगर लगता है कि इसमें कोई त्रुटि है तो उसको हम लोग जरूर तैयार हैं उसको देखने के लिए, चेक करने के लिए, निराकरण करने के लिए, और उपभोक्ताओं की जो संतुष्टि है उस वो हमारे लिए सर्वोपरि है, उसको हम लोग ध्यान में रखेंगे और आगे कार्रवाई करेंगे। और अभी जो अचानक कहा जाता है कि अचानक बिजली कट जाती है और अंधेरा हो जाता है, तो इसके लिए सरकार ने निर्णय लिया है कि एक तो बिजली दिन में कटेगी 12 से 2 बजे के या दोपहर में कटेगी, रात में नहीं कटेगी। आपका मीटर में अगर पैसा खत्म हो गया है तब भी रात में नहीं कटेगी। दूसरा ये है कि बिजली जो है काटने से पहले आपको इन्फॉर्मेशन दी जाएगी, मैसेज दिया जाएगा। पहले 3 दिन पहले मैसेज दिया जाता था, लेकिन अब 1 सप्ताह पहले से मैसेज दिया जाएगा कि आपका बैलेंस खत्म हो रहा है, आप इसको रिचार्ज कर लें, अन्यथा आपकी बिजली कट सकती है, इस तारीख तक कट सकती है। उस बीच में आप रिचार्ज कर सकते हैं और आपकी बिजली रहेगी। और इसके बाद भी अगर आपका बैलेंस खत्म हो गया तब भी अचानक नहीं कटेगी, आपको अंतिम वार्निंग दी जाएगी कि आपका बैलेंस खत्म हो गया है। निगेटिव बैलेंस पर भी 24 घंटे की सुविधा दी जाएगी आपको, और उस 24 घंटे में आप उसको रिचार्ज करा लें अपने मीटर को, ये व्यवस्था रखी गई है। इसके बाद भी अगर आप रिचार्ज नहीं करा पाते हैं किसी कारण से, किसी आकस्मिक परिस्थिति में है, और अगर बिजली कट गई आपकी, तो अब सुविधा दी जा रही है पुश बटन का, एक बटन उस मीटर में लगाया जा रहा है, उसको अगर आप दबाएंगे 20 सेकेंड तक दबाए रहेंगे तो आपकी बिजली कनेक्ट हो जाएगी और 3 दिन तक 72 घंटे तक आपको बिजली उपलब्ध रहेगी। और उस 72 घंटे में आप जरूर रिचार्ज करा लें ताकि दोबारा आपको बिजली आपकी नहीं कटे। और ये फैसिलिटी महीने में 1 बार आप उपयोग कर सकते हैं इमरजेंसी में, अगर किसी कारण से आप रिचार्ज नहीं करा पाए हैं। तो ये प्रीपेड मोबाइल भी हम सभी लोग यूज करते हैं, प्रीपेड मोबाइल भी हमारा जब बैलेंस खत्म होता है तो हमको मैसेज आता है, सूचना आती है, और हम लोग प्रीपेड मोबाइल अपना रिचार्ज कराते हैं। नहीं रिचार्ज करते हैं तो तुरंत वो काम करना बंद कर देता है नेटवर्क हमारा, ये हम लोग देखे हैं। उसी प्रकार की व्यवस्था स्मार्ट प्रीपेड मीटर में भी है, बल्कि इसमें आपको फैसिलिटी दी जा रही है कि आपका नेगेटिव बैलेंस होने पर भी 24 घंटे चलेगी, और इमरजेंसी में अगर आप किसी कारण से नहीं करा पाए तो उस बटन दबाने पर 72 घंटे 3 दिन तक आपको बिजली कनेक्टेड रहेगी और आपको मैसेज लगातार जाता रहेगा।
ठीक है।